चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत तो पहले एक नज़र हूँ तक दी खास खबरों उत्ते। सिखां दे पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का कल दुनिया भर में मनाया गया प्रकाश दिहाड़ा। राष्ट्रपति भवन में सजाए गए अलौकिक कीर्तन दरबार। दिल्ली विखे मुलायम सिंह यादव के घर तीजे फ्रंट की कल हुई अहम बैठक। मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी दियां तैयारियां। पंजाब के शहरों के कस्बों दियां स्ट्रीट लाइटां च हुण लगणगियां एलईडी लाइटां। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने प्रोजेक्ट लागू करन दे दित्ते निर्देश। अते पठानकोट च करोड़ों की लागत नाल बन रहा गौरमेंट कॉलेज अते स्टेडियम 8 नवंबर नूं उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल रखणगे नींह पत्थर। जी बुलेटिन का आगाज करते हैं। कल देश ही नहीं दुनिया भर के सिखां दे पहले गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी का आगमन पुरब मनाया गया। दिल्ली विखे भी राष्ट्रपति भवन के अलौकिक कीर्तन दरबार सजाए गए जिस विच पंत प्रसिद्ध कीर्तनीए भाई चमनजीत सिंह लाल वालों रस भिन्ना गुरबाणी कीर्तन विचार सरवण करवाया गया। इस मौके राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के सीनियर नेता लाल कृष्ण अडवाणी और होर भी उगिया शख्सियतां मौजूद सन। नाली चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी, दिल्ली तो डायरैक्टर जतेंद्रपाल सिंह, चढ़दी कला टाइम टीवी के पत्रकार अमृतपाल सिंह भी नतमस्तक हुए। उधर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल तो उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखबीर सिंह बादल की दिल्ली रिहायश विखे कल धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी ही श्रद्धा से भावना के नाल मनाया गया। इस मौके जिथे नामवर शख्सियतों ने हाजिरी भरी उत्थे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली भी विशेष तौर पर हाजिरी लवाउन पहुंचे। इत्थे चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन जगजीत सिंह दर्दी भी हाजिर सन। श्री अरुण जेटली ने जिथे इस मौके देश विच वसदियां संगतां नूं अवतार पुरब दियां वधाईयां दित्तियां उत्थे अकाली भाजपा गठजोड़ नूं मजबूत अते ना टुटण वाला रिश्ता करार दिता। वाहे गुरु जी जपो सत। गुरु पुरब की सारे देशवासियों को और जो इस देश के लोग दुनिया भर में हैं सबको बहुत बहुत बधाई। एक पवित्र उत्सव है पूरे देश के लिए और ये वर्ष हम सब के लिए और सारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं ये कामना करता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल साफ कर दूँ इसको कि किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी में कोई दरार है। हम सबसे पुराने साथी हैं एक दूसरे के, केवल मित्र दल ही नहीं है, जैसे रिश्ते के एक हैं ऐसे दोनों का संबंध है। और मैं हमेशा ये मानता रहा हूँ कि अकाली दल और बीजेपी का जो गठबंधन है वे कोई केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं है पावर और सत्ता में आने के लिए, ये एक सामाजिक गठबंधन है। विशेष रूप से आतंकवाद के बाद पंजाब में अमन और शांति बनी रहे, पंजाब का अच्छा माहौल रहे, इस गठबंधन ने वो भूमिका अपनाई अदा की है। और इसलिए इस गठबंधन का महत्व पूरे समाज में है, केवल राजनीति में नहीं है। और ये गठबंधन कभी अलग होगा मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर सकता, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। दिल्ली में भी पिछले चुनाव भी हम इकट्ठे लड़ते रहे हैं, अब भी हम इकट्ठा लड़ेंगे और दोनों पार्टियों में किसी विषय को लेकर कोई दूरी नहीं है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर सबको दिल्ली वासियों को हम हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। जिनके प्रकाश से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से और जिनके शब्दों से हम सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, एक प्रकाश मिलता है और इसलिए ऐसे पर्व पर हम सबको दिल्ली वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहते हैं। जी उधर जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को समर्पित दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी गुरद्वारा श्री रकाबगंज साहब नवी दिल्ली विखे विशेष गुरपुरब समागम सजाए गए जिस दे विच पंत प्रसिद्ध रागी कीर्तनिया वालों
शब्द कीर्तन करके संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जोड़िया गया। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजीत सिंह जी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा परमजीत सिंह राणा चेयरमैन धर्म प्रचार वालों सारिया संगतां नूं इस मौके गुरु नानक साहब जी के अवतार पुरब दियां वधाइयां भी दित्तियां गईयां। गुरुआं ने अपने अपने समय च जो किया अज तक दुनिया याद रखती है ते सानू भी सुनेहा दे के गए ने कि जे साडा विलखण स्वरूप है ते जो असी करिए असी भी सुनेहा दे के जाइए लोगों नू कि वाकई एक वखरी कौम है, इहदा काम करन दा ढंग वखरा है, यह मनुखता की गल करती है, यह स्विचता की गल करती है, यह वो गल करती है जिस ते इन्हां दे गुरुआं ने इन्हां नू पहरा देण लई हुक्म किया है। खालसा जी नगर कीर्तन अपने जो निकलते ने तो जिथों नगर कीर्तन निकल के जाए जो गंध उन्हें सड़कों पर असी छड़ के जाते दुनिया कहती सी कि यहां से सिखों का गुरु निकल के गया है। मेरा ख्याल कित ना कि शर्म आती सी सानू। कल नगर कीर्तन सी, सनी संधु जी साढ़े मैंबर ने रोहिणी तो कुछ बच्चों की टीम लैके आए साढ़े को सौक बच्चा है जोड़ा हमेशा सफाई करता है तो जे आप मदद कर दईए नगर कीर्तन जितों निकलेगा उत्थे टोटल सफाई होई होई होएगी और मैं नतीजा कल जो होया नतीजा अज तुहानू दस रहा कि ऐसी सफाई इन्हों बच्चों ने की कि चांदी चौंक जेडे कटड़े ने जिथे सारी लाला कम्यूनिटी है मनु कल राती फोन आए उन्होंने वधाइया के सरदार साहब 50 साल में कभी ऐसी सफाई हमने देखी नहीं कि नगर कीर्तन निकल के जाए और पीछे आपके टेंपू आपके बच्चे आपकी बच्चियां सेवा कर रही हैं और सफाई करके गई हैं। यहां साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज जी ने इस कायनात ते आके सृष्टि नू दुनिया नू एक नवी लीक दित्ती जिथे मानवता नू एक जीन दा नवा संदेश दिता जिथे मानवता नू जीन दा एक नवा तरीका दसा उथे नारी दा सन्मान उथे ऊंच नीचता नू खत्म किया। अज ये साडा सारिया दा वखरा स्वरूप पहले पातशाही तो चल के दसवें पातशाही ते चलदा होया और उस तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अज जिहड़ा साडा रूप आ उस पहले मालक तो चलता हो आ रहा। गुरु नानक पातशाह ने नीच ते ऊंच का भेद मुकाया अज जिहड़ियां साडियां पैणा संगतां विच बैठदियां साडे नाल इत्थे कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां गुरु नानक पातशाह ने नारा दिता सो क्यों मंदा आखियन जित जम्मे राजान। ये गुरु नानक पातशाह का उपदेश सी। ये सारी हिस्ट्री पढ़ के सर मुहम्मद इकबाल ने लिखे फिर उठी आखिर सदा तो हीद की पंजाब से हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। हरिमंदर साहब विखे लखां दी गिनती दे विच संगतां नतमस्तक हुईयां अते पवित्र सरोवर विच इशनान करके सरबत दे भले दी अरदास कीती। देश विदेशों तो श्रद्धालु संगतां च गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े नूं लैके खासा उत्साह वेख्या ही बनता सी। श्री दरबार साहब विखे अमृतमयी गुरबाणी दा रागी सिंघा वल्लों गायन किया गया। श्रद्धालुआं ने दरबार साहब नतमस्तक होकर अपने आप नूं वडभागा महसूस किया। हरिमंदर साहब आए हैं दर्शन स्नान किए हैं बड़िया संगत आ रही ने गुरबाणी का कीर्तन हो रहा अंदर जलोस सज रहे ने और बड़ा अच्छा लग रहा बहुत वधिया माहौल लग रहा और बड़ा आनंद आ रहा संगत बहुत खुश ने दर्शन कर रहे हैं जी बहुत बहुत सोहने दर्शन हो गए जी सोने के दरवाजे जलो लगा हो कई बाटे सोने के दो लखा हार और बड़िया चीज़ा जड़िया आप देखिया जी आप वेख के निहाल हो गए जी बहुत अच्छा दर्शन जी। अगली खबर सियासत दे नाल जुड़ी है। मोदी सरकार के खिलाफ तीजे फ्रंट वजों वक्ख-वक्ख सियासी पार्टियां मोर्चाबंदी लई कमर कसदियां नजर आ रही ने।
मुलायम सिंह यादव के घर तीजे फ्रंट की कल बैठक के नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव शरद यादव समेत होरना पार्टियां के आगुआ ने हिस्सा लिया जिस दे विच काला धन समेत वख-वख मुद्दों पर चर्चा की गई। आज मोटे तौर पर सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा और एक एक व्यक्ति को कम से कम 15 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। तो ये रुपया आना चाहिए और जो कही गई है राशि के बारे में उस हिसाब से लोगों तक इसका वितरण होना चाहिए। और आज जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के इनिशिएटिव पर उनके बुलावे पर आज की बैठक हुई है और सब लोगों ने एकजुटता पर बल दिया है और यहां तक कि एका पर बल दिया है। लेकिन इन सब चीजों के लिए काम करते साथ साथ काम करते हुए कुछ वक्त लग सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे तो पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट का विस्तार 9 तो 11 नवंबर के विचकार किया जा सकता है जिस दे विच 10 तो 14 नवे मंत्रियों को कैबिनेट के विच शामिल किया जा सकता है। यह विस्तार प्रधानमंत्री के आस्ट्रेलिया दौरे तो पहला होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के कैबिनेट विच शामिल होने की चर्चा भी जोरों से है। मनिया जा रहा है कि मनोहर पारिकर को रक्षा मंत्री बनाने की संभावना है। मंत्रिमंडल के विस्तार के वेले कुछ होर नवे चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। जी खबरों का रुख करते हैं पंजाब वल जिथे पंजाब सरकार हुण सूबे अंदर शहरों के कस्बों दीआं स्ट्रीट लाइटां च LED लाइटां की वरतों कर जा रही है जिस दे नाल इन्हां लाइटां की वरतों करन दे नाल पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने इस संबंधी निर्देश जारी किए ने। प्रोजेक्ट के संबंधी उच्च पद्धरी मीटिंग की प्रधानगी करद उप मुख्यमंत्री ने स्थानक सरकार विभाग में पहले फेज च अमृतसर जलंधर लुधियाना बठिंडा और पटियाला च अगले साल 30 अप्रैल तक रवायती स्ट्रीट लाइटा LED नाल बदलन और दूसरे फेज के 8 महीनों बाकी सारे शहरी खेतरों से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए। उन्होंने कहा कि इस नाल जिथे बिजली की बचत होगी उत्थे वधेरे रोशनी वाली लाइटा रात को सफर करने वाले के लिए भी लाहेवंद हो पायलट प्रोजेक्ट वजो SAS नगर मोहाली विखे ये लाइटा इस साल के अंत तक लगा दी जाएगी। इस मौके उप मुख्यमंत्री ने पंजाब के धार्मिक सिक्ख्यक अदारों भी LED लाइटा अपनाने की अपील की है ताकि बिजली के पैसे की बचत के नाल ग्लोबल तपश वार्मिंग वर्गे खतरों के नाल नजिठा जा सके। जिला पठानकोट की जनता की पिछले कई सालों तो चली आ रही मुख मंग पठानकोट में गौरमेंट कॉलेज और स्टेडियम होने की आस हूँ जल्द ही पूरी हो जा रही है क्योंकि पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा वालों जनता की यह मंग पंजाब सरकार वालों पूरी करवा ली गई है और करोड़ों रुपए की लागत नाल इसका काम भी काफ़ी तेजी के नाल शुरू कर दिया गया जो कि जल्द ही पूरा करके जनता के हवाले कर दिया जाएगा। गौरमेंट कॉलेज और स्टेडियम का नींह पत्थर 8 नवंबर वाले दिन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल रखन जा रहे हैं जिसनों लैके प्रशासन वालों तैयारियां भी जोरों से ने। तिन्ने प्रोजेक्ट बहुत जोर शोर नाल चल रहे ने और सरकारी कॉलेज उत्ते 14.29 करोड़ रुपया जिहड़ा खर्च हो रहा है और स्टेडियम दे उत्ते 8.49 करोड़ रुपया जिहड़ा इस लागत नाल स्टेडियम बनेगा। साढ़े लिए बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार दे अंदर डिप्टी CM सुखबीर बादल इन्हां दा शिलान्यास करन लई 8 तरीक सवेरे 10:30 बजे लमी। जी अगली खबर जुर्म दे नाल जुड़ी है। फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में पिछले दिनी
शेरे पंजाब गन हाउस विच हुई चोरी नूं पुलिस ने सुलझाउण दा दावा कीता है। गन हाउस तो चोरी किए गए हथियारों के तीन राइफलां 315 बोर, चार राइफलां 12 बोर, दो रिवालवर 32 बोर, एक पिस्टल 32 बोर ते भारी मात्रा दे विच कारतूस भी बरामद कर ले गए ने। आई जी बठिंडा जोन ने दस्सिया कि चोरी विच मुख सरगना गुरबख्श सिंह, करमजीत सिंह उर्फ बंटी, जसप्रीत सिंह उर्फ जंपी डोन शामिल है, जो कि पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ने, जबकि इन्हों के दो साथियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले दे विच शक की सूई शेरे पंजाब गन हाउस के मालक वल भी आ रही है, जिस तो डूंगाई दे नाल पूछगिछ की जाएगी। कल रात इन्होंने सीआईओ स्टाफ ने लल्ले वाले पुल ते नाका लागे कोटपुरे दे कोलों, सो उन्हां पासों इस गन हाउस दीआं चोरी होईआं 315 दीआं राइफलां, 3 32 बोर दे रिवालवर पिस्टल और 4 12 बोर दीआं गन्स असीं हुण तक रिकवर कर चुके हां। गन हाउस दे मालक दा रोल भी कुछ सानूं छकी जा पिआ कि जिन्हें उन्हें वैपन FIR दे विच दर्ज कराया उन्हें चोरी होए नहीं, उन्हों असी दोबारा इन्वेस्टिगेट करांगे कि सही मात्रा दे विच किन्ने वैपन गए ने। सो पंजाबी खबरां दे इस बुलेटिन विच फिलहाल नहीं, कुछ होर खबरां लैके मैं सुखिंदर सिंह जल्द तुहाडे रूबरू होवांगा, पर जांदे जांदे तुहानू छड जांदे आ खबरां फटाफट दे नाल।